सांप निकलने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है, अधिकारियों का कोई ध्यान इधर नहीं है, और जो पानी घर से निकलता है, जो पाइप लगे हुए हैं, उन पाइप के रास्ते सांप अंदर घुस जाते हैं। जब सांप अंदर घुस जाते हैं तो सांपों ने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया, अंडे पैदा हुए, उनमें से ये सांप निकले। अभी इतना बड़ा प्रकोप सांपों का यहाँ था कि कल देखने को मिला 75 अंडे और 60 सांप कल ही पकड़वाए गए सपेरे को बुलाकर। और इतना दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि कॉलोनी के लोग इस समस्या से जूझते हुए यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, और आसपास के जो घर हैं ये लोग इतने भयभीत हैं, लोग अपना समय घर के बाहर कुर्सियों पर बैठकर काट रहे हैं रात रात। यहाँ आवास विकास कॉलोनी में सभी लोगों ने ये सोच करके मकान लिया था कि भाई बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं आवास विकास देता है, लेकिन यहाँ यह आवास विकास की सबसे उपेक्षित कॉलोनी है। आवास विकास का कोई भी अधिकारी यहाँ आकर के नहीं भटकता कभी भी। चारों तरफ पानी की निकासी बंद है, चूंकि कॉलोनी की निकासी का यहाँ कोई साधन नहीं है। चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें इतने सांप भी आ गए कि शायद कॉलोनी का कोई घर ऐसा बच रहा होगा जिसमें कोई सांप नहीं निकला। और अब तो बिल्कुल अति हो गई है, एक घर में सैकड़ों से भी ज्यादा सांप के बच्चे और टोकरा भर अंडे निकाले हैं। अरे इसमें कुछ आ भाई, ढक्कन दे दो, इसमें हल्का सा छेद कर दो ढक्कन।